नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का जो आज कारोबार हुआ है वो 8.45 का इसने क्लोज दिया है। जो प्रीवियस क्लोज था वो भी यही था, यानी कि कोई ट्रेडिंग मूवमेंट नहीं हुआ। बुल्स और बियर्स दोनों वहीं के वहीं फंसे पड़े हैं। दोस्तों, हाई बनाया 8.65 का और लो बना 8.35 का। दोस्तों, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की अगर बात करें तो जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है वो 10,42,64,000 हुई है और डिलीवरी क्वांटिटी है वो 3,26,48,000 हुई है, यानी कि 31.31% का डिलीवरी हुआ है। दोस्तों, और इसमें क्या न्यूज़ है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और चार्ट के ऊपर क्या रुझान है वो बात करेंगे। दोस्तों, तो वोडाफोन आइडिया जो फंड रेज करना चाहती है 1 बिलियन का, दोस्तों 6,000 से लेकर 7,000 करोड़ का फ्रॉम पेंशन फंड्स टू कीप इट्स इंडिया बिजनेस ऑन ट्रैक। तो आपको पता है दोस्तों कि लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इश्यू है वोडाफोन आइडिया में। AGR का जो प्रॉब्लम है, उनको UGR जो ड्यू है उसको भी पे करना है, तो उसके लिए उन्होंने फंड रेजिंग के लिए जो कैनेडियन पेंशन फंड है, कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है एंड ऑन्टारियो टीचर्स पेंशन प्लान है, उनसे बात की है फंड पेंशन फंड से। और अगर वो ये रिपोर्ट वेरीफाई होती है तो इनको 6,000 से लेकर 7,000 करोड़ मिल सकते हैं। दोस्तों, इवन जो ये लोग डायरेक्ट इक्विटी में डील नहीं करने वाले हैं बट डेब्ट विच इज़ कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा है। और ऑलरेडी इन्होंने जो 25,000 करोड़ जो था वो सेल ऑफ हाइब्रिड इक्विटी टू फॉरेन फंड था एंड इंस्टेड ऑफ करनिंग बोरोइंग अ कैपिटल यूजिंग अ प्रमोटर गारंटी टू रीफाइनेंस इट्स डेब्ट, क्योंकि डेब्ट हायर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पहले ही बोला था। दोस्तों, तो अब चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि चार्ट के ऊपर क्या रुझान है। आपको पता है कि आप अगर मेरे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो 8.90 का जो सपोर्ट लेवल था वो जब तक स्ट्रेंथ था वहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गया, जैसे ही सपोर्ट टूटा दोस्तों फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में गया 3 दिन के लिए, फिर नीचे आया। अब अगर आप लास्ट तीन दिन का देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि जो 19 अप्रैल का जो क्लोज है वो 8.45 है और लो है 8.30, उसके नेक्स्ट डे का भी 8.30 का ही क्लोज है 8.45 और लो है 8.30, ठीक है दोस्तों। और आज का भी जो क्लोज है वो 8.45 है और लो है 8.35, यानी कि 8.30 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है टेम्पररी, अगर आप इंट्राडे और पोजिशनल करना चाहे तो। और अगर इसके ये जो लेवल है अपर का, अगर उसके ऊपर निकलता है स्टॉक तो उसमें तेज़ी का रुझान होगा, बट आपको 8.90 का रेजिस्टेंस मिलेगा। दोस्तों, बट ये सपोर्ट लेवल है, अगर इसको तोड़ देता है 8.30 का इंट्राडे पोजिशन में तो उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जो सपोर्ट लेवल है उसका दूसरा वो 7.60 के आसपास है। दोस्तों, ये जो कैंडल है इसका सपोर्ट है। दोस्तों, तो आगे न्यूज़ क्या रहते हैं और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा दोस्तों, तो उस हिसाब से ये स्टॉक में फंड का और लिक्विडिटी का जो इश्यू है अगर ये रिजोल्व होता है तभी ये डबल डिजिट में पहुंच पाएगा, बाकी इसका वहां पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल व्यू है, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह देते हैं तो आप इसमें निवेश या ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।